नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका जेल में मसाज करते वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूरनवाला की तरफ से पोस्ट किया गया था, जिसके बाद भाजपा आम आदमी पार्टी को मसाज पार्टी कह रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली की आप सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं, जो एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। सत्येंद्र जैन का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया और जिसके बाद चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। दरअसल ये वीडियो जेल के सीसीटीवी फुटेज का है, जहाँ भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ये वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें सत्येंद्र जैन जेल में मसाज कराते हुए नजर आ रहे हैं। तिहाड़ जेल के भीतर सत्येंद्र जैन को मिल रही थी सजा, या केजरीवाल जी के बदौलत मिल रही थी मजा? जिस केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन को मंत्री बनाए रखा है, वो भी तिहाड़ जेल के अंदर, जबकि 5 महीने से सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिली है, बार बार बेल रिजेक्ट की गई है। आज दिखाई दे रहा है कि क्यों उनको मंत्री बनाए रखा, ताकि उनको वीवीआईपी सुविधा मिल सके, वो अपना मसाज करा सके, वो वहां पर आलीशान तरीके से एक वीवीआईपी की तरह रह सके, हेड मसाज फुट मसाज करवा सके। मानो कि तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल ने मसाज पार्लर खोल रखा हो इस प्रकार के अपराधियों के लिए। और दिल्ली की तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन के वायरल हुए इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक शख्स सत्येंद्र जैन के हेड और बॉडी में मसाज कर रहा है। ईडी ने भी कोर्ट में और कुछ तस्वीरें और हलफनामा देकर इसकी शिकायत की थी। सत्येंद्र जैन को दिल्ली में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जिस प्रकार से अपने ऑफिशियल पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए सत्येंद्र जैन पैसों की उगाही कर रहे थे, वसूली कर रहे थे, तो वसूली और मसाज कंपनी किस प्रकार से जेल के भीतर चल रही थी, इसका प्रमाण आज सामने आ चुका है। सुकेश से वसूली और खुद की वीवीआईपी मसाज ट्रीटमेंट, ये चल रहा था तिहाड़ जेल में, और वही तिहाड़ जेल जो दिल्ली सरकार के अधीन आता है। ये जेल जो है दिल्ली सरकार के नियंत्रण क्षेत्र में आता है, इसीलिए वहां पर ये सारी चीजें चल रही थी। वीवीआईपी ट्रीटमेंट एक हवालेबाज को दिया जा रहा था। अब क्या सत्येंद्र जैन को मंत्री बनाए रखा जा सकता है, या उन्हें हटाने का काम किया जाएगा अरविंद केजरीवाल के द्वारा? ईडी ने भी कुछ समय पहले आरोप लगाया था कि ये वीडियो सितंबर महीने का बताया जा रहा है। तो वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी की राजनीति के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि आप जो ईमानदारी को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बताती है, भाजपा लगातार आप पर निशाना साध रही थी, पर भाजपा को आप पार्टी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। पर इस वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा को आम आदमी पार्टी को घेरने का मौका मिल गया है। सत्येंद्र जैन जी को बहुत साजिश करके, बहुत झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में बंद करके रखा हुआ है। साजिश करके जेल में बंद रखा हुआ है वो तो है ही। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई कि किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के, उसको मनोहर कहानियां सुना सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। पर जो भी आरोप लगाया गया हो, उसके अलावा आपने उसकी मजबूती से उसे खारिज कर दिया है और उल्टा भाजपा पर आरोप करने का आरोप मर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी की बीमारी का मजाक उड़ा रही है। मतलब है कि इस वीडियो से आपकी छवि को सीधे नुकसान पहुंचेगा। कि जब सत्येंद्र जेल में बंद है, जब से उस दौरान उनको वहां पर गिरने से चोट लगी है, उनकी स्पाइन में, मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं L5S1 वर्टिब्रा, यानी L5 डिस्क, उनकी रीढ़ की हड्डी में जो L5S1 डिस्क है वो डैमेज हुई है, उसमें चोट लगी है,
जेल से जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनका ऑपरेशन किया गया, उसके बाद जब ऑपरेशन करके वहाँ से उनको वापस जेल भेजा गया, तो डॉक्टर ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। लगातार मेडिकल रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। अब किसी आदमी को चोट लगी है, डॉक्टर उसको इलाज करते हैं और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, और फिर आप उसका वीडियो निकाल के उसका मजाक बनाते हो, आपको शर्म नहीं आती है? क्योंकि इसे नकारा नहीं जा सकता, तिहाड़ में वीवीआईपी ट्रीटमेंट देना सरासर गलत है। फिलहाल आप चाहे वीडियो को लेकर कितनी भी सफाई दे रही हो, लेकिन इस वीडियो के सामने आने से भाजपा के बाकी आरोपों को भी बल मिल गया है। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग होनी है और उस बीच वीडियो का सामने आना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को झटका है। रिपोर्ट प्राइम टीवी। हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।